सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। ऑफिस आते वक्त रमाकांत की बस छूट गई थी, इसके कारण उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस बॉय ने उसे बताया कि बॉस ने उसे अपनी केबिन में बुलाया है। रमाकांत समझ गया कि बॉस से आज उसे जबरदस्त डांट मिलने वाली है। तुम हद करते हो रमाकांत, ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी सर, वो बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया। मैं लेट के लिए कुछ नहीं कह रहा, वैसे भी महीने में 10 दिन तो तुम लेट ही आते हो। मैं कह रहा हूँ सेल्स के लिए, ये तीसरा महीना है तुमने एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचा है। देखो, मैं इस तरह मुफ्त में तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। नहीं सर, मैंने तो 3 प्यूरिफायर। रमाकांत के बॉस उसे डांट ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर नौक हुई। उन्होंने कम इन कहा तो रमाकांत के साथ ही काम करने वाला प्रभाकर अंदर आया। उसे देखते ही बॉस खुश हो गए। सर, आपने मुझे बुलाया था। अरे आओ आओ प्रभाकर, ये लो तुम्हारे लिए। बॉस प्रभाकर को एक लिफाफा देते हैं। प्रभाकर उसे खोलकर देखता है, उसमें एक लेटर होता है जिसमें उसके प्रमोशन की बात लिखी होती है। प्रमोशन? थैंक यू सो मच सर। अरे प्रभाकर, कुछ सेल्स टिप्स इस रमाकांत को भी दे दो, 3 महीने हो गए इससे एक प्यूरिफायर नहीं बिका। जी बॉस, दे दूंगा। प्रभाकर, इस महीने मुझे प्यूरिफायर की सेल नहीं मिली तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस की बात को सुनकर रमाकांत ने प्रभाकर की ओर घूर कर देखा। प्रभाकर उसका सीनियर था और वो हमेशा रमाकांत के सीधेपन का फायदा उठाता था। उसके नाम के सेल्स वो खुद के नाम पर लिखा देता। 3 महीने से रमाकांत ने जो भी सेल की थी उसने उस पर अपना नाम चढ़ा लिया। वह बॉस से उसकी शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस प्रभाकर को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे और उसे बुद्धू। बहरहाल, जब वो बॉस के ऑफिस से बाहर आया तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि प्रभाकर कामिनी से हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे अपने प्रमोशन की बात बता रहा है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो प्रभाकर सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कमाल वमाल कुछ नहीं है कामिनी, बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा कामिनी, अगर तुम आज फ्री हो तो हम शाम को कॉफी पीने चले। क्यों नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके जैसे सीनियर के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रमाकांत कामिनी को बहुत पसंद करता था। मन ही मन उसने तो कामिनी और उसके शादी के बाद होने वाले बच्चे तक का नाम सोच रखा था। लेकिन उस दिन कामिनी और प्रभाकर को हंस हंस कर बातें करते देख वह बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और उसी समय ऑफिस से निकल गया। उसके बाद वो शहर के पास वाली नदी के पास गया। उसके ऊपर बने पुल से नदी की ओर झांक कर सोचने लगा, क्या भगवान, मेरे जैसे लोग आप बनाते ही क्यों हैं? ना तो नौकरी सही चल रही है और ना ही जिससे प्रेम करता हूं उससे विवाह की कोई उम्मीद। अरे हम जैसे लोग बोझ है बोझ। आज धरती से ये बोझ कम कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे मुझे बहुत सवाल भी करने हैं। ये कहकर वो नदी में कूद पड़ा। नदी गहरी थी, वह तुरंत ही डूबने लगा। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और वो रमाकांत को बचाकर नदी के किनारे ले आया। थोड़ी देर बाद जब रमाकांत की नींद खोली तो उसने खुद को किनारे पर पाया और अपनी बगल में उस आदमी को बैठे हुए देखा। तुम कौन हो? अरे आपको होश आ गया? आपको जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में क्यों गए? आप डूब रहे थे और मुझे आपको बचाना पड़ा। अरे भाई, मैं आत्महत्या करने के लिए कूदा था, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? क्या समय आ गया है, कोई चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसा मत कहिए, भगवान ने ये कीमती जान इसलिए नहीं दी कि आप आत्महत्या करके इसे खत्म कर लें। तो क्या करूं, हर दिन घूट घूट कर मरता रहूं। उसके बाद रमाकांत ने उस आदमी को अपनी दुख भरी कहानी बताई। बस इतनी सी बात पर जान देने निकल पड़े? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी। वैसे तुम भी क्या समझोगे, तुम पर तो नहीं बीत रही है ना? रमाकांत, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है मेरे पास। उसके बाद उस आदमी ने एक डायरी और पेन निकाला। उसे देखकर रमाकांत ने कहा, अरे भाई तुम भी कोई सेल्समैन हो क्या जो डायरी और पेन बेचते हो? ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक विश लिख सकते हो, जैसे ही तुम वो विश लिखोगे तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। अरे भाई, सुबह से कोई नहीं मिला है क्या तुम्हें? देखो
मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। रमाकांत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार लिख कर तो देखो विश। रमाकांत को विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पहली विश उस डायरी पर यह लिखी कि उसे 10,000 रुपए मिल जाए। जैसे ही उसने विश लिखी, उसके हाथ में 10,000 रुपए आ गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक वो उन नोटों को देखता रहा, फिर उस आदमी से पूछा, तुम क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं जादूगर नहीं, जिन्न हूँ। तुम फिर से शुरू हो गए, भला जिन्न भी कहीं ऐसे होते हैं? होते हैं रमाकांत, हम किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वैसे अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये जादुई डायरी और पेन है जो तुम्हारी हर विश को पूरी कर सकता है? हाँ हाँ। ठीक है, फिर आज से ये तुम्हारा हुआ, तुम इसके हर एक पन्ने पर अलग अलग विश लिखो, उसे पूरी करो और खुश रहो। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं औरों को तो नहीं दिखूंगा लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रमाकांत बहुत खुश था, उसे लग रहा था अब वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उस दिन रमाकांत अपने घर में चैन की नींद सोया। अगले दिन उसने उस डायरी के एक पन्ने में एक बहुत बड़े घर की विश लिखी। वो किराए के छोटे से घर में रहकर तंग आ चुका था, तुरंत ही उसे एक आलीशान घर मिल गया। फिर उसने एक महंगी कार की विश की, वो भी पूरी हो गई। लाखों रुपए मांगे, वो भी मिल गए। कुछ महीनों बाद अब वो पुराना रमाकांत नहीं रहा, बल्कि वो जाना माना रईस रमाकांत हो चुका था। एक दिन अपने बड़े से स्विमिंग पूल में तैरते हुए उसे प्रभाकर की याद आई। मेरे सीनियर प्रभाकर ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, मेरा हक मारा है, अब उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ उसे कि दूसरे का हक मारने का अंजाम क्या होता है। उसके चलते मेरी नौकरी खतरे में आई थी ना, अब उसकी नौकरी भी नहीं बचेगी। उसके बाद रमाकांत ने उस डायरी में लिखा कि प्रभाकर बीच मीटिंग में सबके सामने बॉस को जूते से मारे। इधर उसने विश लिखा, उधर वो पूरा हो गया। प्रभाकर के जूता मारने के कारण उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। रमाकांत यह जानकर बहुत खुश हुआ। अब तो रमाकांत उस डायरी और पेन से कहीं गैर जरूरी चीजों की मांग भी करने लगा। धीरे धीरे डायरी के पन्ने कम होने लगे। एक दिन जब डायरी में सिर्फ आखिरी पन्ना बचा तो उसे अपनी मोहब्बत कामिनी की याद आई। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, दौलत, शोहरत, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, बस मेरी महबूबा कामिनी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है अब उसे मेरे पास आने से कोई दिक्कत होगी। रानी की तरह रखूंगा मैं उसे, रानी की तरह। आज इस डायरी में आखिरी विश लिखकर उससे शादी कर लूं, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। ये सोचकर वो डायरी के आखिरी पन्ने में अपनी आखिरी विश लिखने लगा। लेकिन ये क्या, वो उसके आखिरी पन्ने में अपनी आखिरी विश लिखने की लाख कोशिश करता लेकिन वो लिख नहीं पाता। वो बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर वो जिन्नों को बुलाने लगा। अचानक वो जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। जिन भाई, ये देखो, तुम्हारी जादुई डायरी और पेन खराब हो गई है। मैं इस पर अपनी आखिरी विश लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो ना। रमाकांत, इस डायरी की एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, इसके आखिरी पेज पर तुम नहीं लिख सकते, इसके आखिरी पेज पर मैं अपनी विश लिखूंगा। तुम्हारी विश? उसके बाद जिन ने रमाकांत से कहा, हाँ रमाकांत, मेरी विश, क्योंकि तुम इंसानों की कोई भी विश कभी आखिरी नहीं होती, ये मिल जाए तो वो चाहिए, वो मिल जाए तो ये चाहिए, ये पूरा हो गया तो वो पूरा करना है, वो पूरा हो गया तो फिर कुछ और पूरा करना है, पूरी जिंदगी उसे कुछ ना कुछ चाहिए। अरे ये तो गलत है, मेरी आखिरी विश तो पूरी ही नहीं हुई है। मैंने कहा ना, कोई विश आखिरी नहीं होती। तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या लिखने वाले हो इस पन्ने पर? मैं आज से तुम्हारे जैसा यानी इंसानों के जैसा जीवन जीना चाहता हूँ, और आज से तुम जिन्न की तरह जियोगे। अरे ऐसा मत करो भाई, मुझे नहीं बनना जिन्न, मुझे आदमी ही रहना है। तो इसके लिए तुम अपनी तरह ही एक लालची इंसान को खोजो, उसकी मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी की थी, फिर ये विश वाली डायरी उसे दे दो। ये कहकर जिन्न ने उस डायरी में अपनी विश लिख दी। उसके बाद वो इंसान में तब्दील हो गया और रमाकांत जिन्न में।
रमाकांत के लालच और आखिरी विष की चाहत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।